वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, आपने डायग्राम बनाना है, पिस्टन पहले यहाँ पर था, पी वन वी वन टी वन भी आ गया, क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो पी वन वी वन टी वन है। फाइनल स्टेट पिस्टन की क्या है, गैस की क्या है, पी टू वी टू और टी टू है। रास्ते में पिस्टन यहाँ आया होगा तो गैस की स्टेट क्या है, पी वी और टी। अगले ही इंस्टेंट पर थोड़ा ऊपर गया होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो वी प्लस डी वी, पर वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर घट गया होगा, क्योंकि एक्सपेंशन जब गैस की होगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो टी माइनस डी टी। तो दिखा दिया इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डायग्राम क्लियर है यहां तक कि वेरिएबल्स कैसे लिखे हुए हैं? ठीक, दुनिया का कोई प्रोसेस हो, मैथमेटिकली वर्क डन निकालना हो, पहला स्टेप वही है, पी डी वी की इंटीग्रेशन, वी वन से वी टू लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हर प्रोसेस की इक्वेशन डिफरेंट है। एडियाबैटिक में इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक में इक्वेशन क्या है, पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट। तो पी वी रेज टू पावर गामा इज अ कॉन्स्टेंट के, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से पी की वैल्यू क्या है, के अपॉन वी रेज टू पावर गामा। वी रेज टू पावर गामा ऊपर चला गया तो के वी रेज टू पावर माइनस गामा, तो क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई। इस पी की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। के कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन याद करो, वी की पावर क्या है, माइनस गामा, वन ऐड करें पावर तो वी की पावर माइनस गामा प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस वन, कहां से कहां, वी वन से लेके वी टू तक। तो ये स्टेप क्लियर है इंटीग्रेशन का। इसके अंदर नेक्स्ट वन माइनस, इसको देखो माइनस गामा प्लस वन और वन माइनस गामा एक ही बात है, तो वन माइनस गामा बाहर आ गया और वन माइनस गामा सीधा करके रख लिया। ठीक है यहां तक, तो ये टर्म आ गई। गामा जो होता है वो वन से बड़ा होता है, क्योंकि गामा होता क्या है, सीपी बाय सीवी, सीपी तो बड़ा होता है सीवी से, तो गामा गैस का वन से बड़ा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर दो, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, दिखाता हूं कैसे। पहले आपने लिमिट तो पुट करी ली इसमें, तो वी वन वाली टर्म आगे ले आओ, वी टू बाद में ले जाओ और गामा आगे ले आओ, वन बाद में रख लो, तो स्टेप क्लियर है। इसको भी रिवर्स, इसको भी रिवर्स, माइनस कॉमन निकाल लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, तो ये टर्म आ गई। ठीक है यहां तक, के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, तो के जो कॉन्स्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टर्म आ गई, के की के आ गया। अब क्या किया, मुझे पता है कि एडियाबैटिक की जो इक्वेशन है वो है क्या, एडियाबैटिक की इक्वेशन है P1 V1 raised to power gamma is P2 V2 raised to power gamma is a constant K, भाई K तो constant ही रहेगा। तो जहां पर V1 वाली term है, 1 वाली, वहां पर K की जगह लिखेंगे P1 V1 gamma, और जहां 2 वाली term है वहां लिखेंगे P2 V2 gamma। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एड होगी, गामा कैंसल, तो P1 V1, इन दोनों की पावर्स को एड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये टर्म आ गई। तो फॉर्मूला बन गया, एक मोल ऑफ गैस एडियाबैटिक में की फॉर्मूला है, इसे नोट करें, एंड पी वी आर टी के इक्वल है तो इसे भी नोट करें, दोनों फॉर्मूला नोट करें, दोनों के दोनों फॉर्मूला नोट करें। एडियाबैटिक में वन मोल का जो वर्क डन है वो इसके इक्वल है, ये नोट करें। और ये इंपॉर्टेंट है, टी वन पहले है, टी टू बाद में है, पी वन वी वन पहले है, पी टू वी टू बाद में, इनिशियल माइनस फाइनल है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला नोट करें। नहीं, n मोल सो n मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो एडियाबैटिक के वर्क डन का 1 मोल का फॉर्मूला क्लियर है, और अगर 1 ग्राम आ गया तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें किया क्या, देखो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया, पीवी पीडीवी की इंटीग्रेशन, फिर हमने कहा पीवी रेज़ टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट एडियाबैटिक में, हमने यहां से v की पावर गामा को नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए माइनस गामा, इस पूरी p की वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। k कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये टर्म बच गई, इंटीग्रेशन की एक पावर ऐड की, पावर से डिवाइड किया, इसको लिखा वन माइनस गामा, इसको लिखा वन माइनस गामा, एक बार v की जगह अपर लिमिट v2 पुट की, एक बार v की जगह लोअर लिमिट v1 पुट की, तो ये टर्म आ गई। इसको उल्टा किया, गामा माइनस वन, वी वन और वी टू को भी उल्टा कर दिया, ये टर्म आ गई। के से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, ये टर्म आ गई, क्योंकि पी वन वी वन गामा, पी टू वी टू गामा के, तो
तो इस के की जगह पुट किया P1 V1 गामा, इस के की जगह पुट किया P2 V2 गामा, पावर्स ऐड हो गई, पावर्स ऐड हो गई, तो ये फॉर्मूलाज बन गए। तो क्लियर है यहां तक?